दोस्तों, जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आज श्रीनगर में स्टार्ट हो चुका है और आप जानते हैं कि बख्शी स्टेडियम में आज पहला फिजिकल बच्चों का होने जा रहा था और इसमें करीब 800 के आसपास बच्चे शेड्यूल्ड थे इस फिजिकल में अपीयर होने को। तो भाई, आज की इस पूरे दिन में क्या ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हुई हैं, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, कितने लोग डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं और जो डिस्क्वालीफाई जिन्होंने किया है उसकी वजह क्या है, ठीक है, और रेशो क्या है सिलेक्ट होने का और डिस्क्वालीफायर्स का, वो रेशो क्या है, वो पूरा इन डेप्थ आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, जितने भी आप में से आज के बाद अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे आपका जो भी रैंक है, चाहे आप मतलब आपको लगता है कि मैं बाउंड्री से पार हूं, तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैंने खुद इस पे रिसर्च की है, बहुत सारे दोस्तों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जो जिनका आज फिजिकल था, और मेरा खुद का एक दोस्त है, मैंने कल भी वीडियो में उसका नाम लिया था और मैंने उससे बात ली, उससे रिपोर्ट ली और उसने मुझे पूरा बिट टू बिट सारी चीजें जो है वो बताई। उसके बाद वो सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करने के बाद अब आपके सामने आया हूं। सिंस बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप इस चीज को लेके वीडियो लाओ, हमें बताओ कि आखिर आज क्या हुआ। तो चलिए बगैर आपका टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। देखिए, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसके साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप में जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंजूसी करते हैं, भाई लाइक करने में एक सेकंड या दो सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, और शेयर भी कर दो यार, ठीक है, हमारी सपोर्ट हो जाती है। और आप हमारे एडिशनली हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसिल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल वगैरह आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो प्रोसीजर है आपके जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का प्रोसीजर, भाई आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, आप में से शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, और उसके बाद होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि आपकी मेजरमेंट्स होती है, ठीक है, मेजरमेंट होती है, लिख देता हूं यार, आप पता नहीं बोलोगे क्या लिख रहा है, ठीक है, ठीक है, मेजरमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी हाइट मापी जाती है, बॉयज की चेस्ट नापी जाती है, आपका जो है मैनली ये दो चीजें नापी जाती हैं, क्या आपकी आप जो है वो क्वालिफाई कर पा रहे हो, आपकी हाइट स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है, और आपकी चेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड है या नहीं। गर्ल्स में भी देखा जाता है कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो ये चीज देखी जाती है, ठीक है। तो जो आपकी मेजरमेंट्स है उनमें यही चीज जो है वो मेजर की जाती है। उसके बाद जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात आती है तो पीईटी में आपको सबसे पहले आपका जो है वो आपकी रनिंग होती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपकी रनिंग के बाद फिर उसके बाद होते हैं आपके पुशअप्स। और मेरे दोस्तों, आज जिन लोगों को लगता था कि भाई मेरे पुशअप्स बहुत अच्छे हैं, मैं 40 पुशअप करता हूं या 60 पुशअप करता हूं, मैं इतने उतने पुशअप करता हूं करती हूं, बहुत सारे लोग जो है वो इन पुशअप्स की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है वहां पे ऑफिसर्स कितने टाइम पे रेस्ट पॉज कर रहे हैं और पॉज एंड गो कर रहे हैं, कितने टाइम पे रोक रहे हैं। तो भाई वही तो आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगी, वहीं से तो आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होनी है। आपको पॉज करा रहे हैं, रुका रहे हैं, उसके बाद अप, उसके बाद डाउन, फिर रोक रहे हैं, फिर मतलब कुछ लंबे टाइम तक ले रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की रनिंग तो पास हो गई, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि भाई मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मतलब अपनी प्रिडिक्शन से मैं प्रिडिक्शन दे रहा था कि भाई 7200 में 1200 बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, 7200 में 1200 बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। वो मैं रेस के जो रनिंग होगी आपकी, रनिंग के ग्राउंड पे बता रहा था कि भाई आपकी रनिंग जो है, रनिंग बच्चों की क्वालिफाई नहीं होगी, बच्चे द एक्सपीरियंस विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द ग्राउंड, ठीक है, और ग्राउंड में मेनली मैंने कहा था आपकी जो रनिंग है, रनिंग बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लोगों की टाइमिंग नहीं आती है। तो मैंने ये चीज उसके बेसिस पे बताया था मैंने, हालांकि मैंने पुशअप्स का भी जिक्र किया था, लेकिन उतना ज्यादा मैंने एम्फेसिस पुशअप्स को नहीं दिया था, पुशअप्स को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुशअप्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों की जो है वो इक्वल वेटेज है।
अगर आप रेस में 4.5 मिनट में क्वालिफाई कर रहे हो, 4.5 मिनट में आप ग्राउंड पास कर रहे हो, ग्राउंड क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब पूरे 4.5 मिनट में 1600 का जो जो ग्राउंड है वो मतलब क्लियर कर रहे हो, उसके बाद आपसे 5 या 6 पुशअप्स मुश्किल से निकल रहे हैं, तो भाई वो आपका वो एक्सीलेंट आपका रेस में मारना आपके किसी का काम का नहीं है, लिटरली दोस्तों दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है और इक्वल वेटेज है यहां पे आपका। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं आपको, एट द एंड वही होना है कि भाई मान लो अगर 7200 है तो 72 में तो ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ना, ठीक है, तो वो चीज होती है। तो आज जब मेरे दोस्त से बात हो रही थी, उसने कहा कि भाई जो मेरे उसके अपने क्लासमेट्स, उसके अपने दोस्त थे, उसके अपने पड़ोसी थे, दो लड़के, वो साथ में फिजिकल करके रनिंग की प्रैक्टिस करते थे, वो दौड़ते थे, रोज प्रैक्टिस करते थे, और उसने मुझे कहा कि दाऊद भाई उन दोनों बंदों का क्वालिफाई हो गया है एंड दोनों का आरबीए कैटेगरी है, ठीक है, दोनों के आरबीए कैटेगरी है और आई थिंक शायद एक के ओपन मेरिट भी है। तो दो तीन ऐसे बंदे हैं जो जिनने क्वालिफाई कर लिया। अब वो तो मैं अपने बंदों की बात कर रहा हूं जिनके साथ मैं कॉन्टेक्ट में हूं, जिनके साथ मेरी बात हुई, और उसके बाद एडिशनली उस बंदे ने क्या बताया कि भाई सीन ये हो रहा था कि जो आपका पुशअप्स है, पुशअप्स में ज्यादा टाइम ले रहे थे, और भाई आप में से जिसने कांस्टेबल की जो भर्ती है वो दी होगी उसको पता होगा कि भाई पुशअप्स कैसे होते हैं, पुशअप्स के लिए कितना टाइम जो है वो लगता है, कि पुशअप्स के लिए कितना टाइम लगा जाता है, ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब था कि पुशअप्स में टाइम लगाया जा रहा था और उसके वजह से मतलब फॉर्चुनेटली द एस्पिरेंट्स वर एबल टू क्वालिफाई द ग्राउंड, दे वर एबल टू क्वालिफाई द रनिंग, दे कंप्लीटेड द ट्रैक विद इन 6 मिनट 30 सेकंड्स, बट दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई, दे वर नॉट एबल टू डू द 20 पुशअप्स, और 20 उसको साइकिल में गिने तो वो 40 पुशअप्स आते हैं, लेकिन मैं 20 ही बता रहा हूं आपको, वो 20 पुशअप्स नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब तरीका क्या है, हो क्या रहा है, आज की डेट में क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई। देखो यार, दोस्त का कहना था, ये भाई का कहना ये था कि सीन क्या है कि एक ग्रुप है, मतलब ग्रुप्स में नहीं भेज रहे हैं, ग्रुप नहीं बना रहे, पहले क्या कर रहे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि बच्चों को जो है वो रेंडमली डाल जाए, मतलब जो हील है, हील के पास उनको चिप लगाई जा रही है, और चिप में हर एक कैंडिडेट की एक अपनी अपनी आईडी है, वो शायद उसका रोल नंबर हो सकता है, जो आपका जो पीईटी में जो आपको रोल नंबर असाइन कर दिया गया है, मुझे लगता है रोल नंबर ही होगा उस चिप में, आपका रोल नंबर है, पर आपका जो है वो आपको आपकी पैर के साथ लगा दिया जाता है, आपकी हील के साथ, ठीक है, आपकी एड़ी के ऊपर, तो वो लगा दिया जाता है, मतलब इस तरह से आपकी एड़ी के ऊपर लगा दिया जाता है और आप जो है वो रनिंग करते हो। और उसका कहना ये था कि भाई मतलब मान लो अगर अभी पांच बंदे छोड़े, उसके आधे या एक मिनट के बाद फिर 5 या 10 बंदों का ग्रुप भेजा, उसके बाद फिर 1 या 2 मिनट के बाद फिर बंदों को भेजा, फिर उसके बाद फिर बंदों को भेजा, मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 बंदों का ग्रुप भेजा, वो जब कंप्लीट करेंगे फिर दूसरे ग्रुप को भेजेंगे, या मान लो 100 मतलब एक साथ में 100 लोगों को भेजा, 100 लोग जब पूरा कंप्लीट करेंगे 100 लोगों के बाद फिर नेक्स्ट 100 वाले ग्रुप को भेजेंगे, ऐसा नहीं हुआ वहां पे। जो बच्चा आया ग्राउंड में गया निकला, आया ग्राउंड में गया और निकला, इस तरह से वो वहां पे हो रहा था, कोई ग्रुप्स नहीं बन रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डर भी था, ये फियर भी था कहीं ना कहीं कि भाई 100, 150, 200 के ग्रुप में जब दौड़ाएंगे तो वहां पे मुश्किल होता है, शायद धक्के भी लग जाते हैं, गिर जाते हैं, भाई ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको एक एक दो दो तीन तीन चार चार करके डाल रहे हैं। और वो भाई बोल रहा था कि भाई वहां कोई समझ नहीं आ रहा था किस बंदे ने किसके कितने राउंड हो गए हैं। अब जिस बंदे को आइडिया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका गुलशन ग्राउंड में है, गुलशन ग्राउंड में फॉर एग्जाम्पल अगर 250 मीटर का है, 250 मीटर का है, तो आप ये मान के चल के सकते हो, मुझे लगता है 6 राउंड्स मारने पड़ेंगे, छ मतलब 5 फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यार आप 6 ही राउंड आपने मारने हैं, तो
तो 6 राउंड अगर आपने मारने तो भाई साहब आपको काउंट करना पड़ेगा, आपको खुद काउंट करना पड़ेगा, या आप नीचे उस चिप की तरफ नहीं देखोगे, आपके पास टाइम ही उतना कहाँ होगा कि चिप की तरफ देखने लग जाओगे कि कितना मैंने दौड़ा, या वैसा कुछ सीन नहीं होगा। ठीक है, आप जब स्टार्ट करोगे पूरा माइंड प्रेजेंस रखनी है, पूरा नर्वसनेस को साइड करते हुए, नर्वसनेस को साइड करके आपने जो है वो ग्राउंड में जाना है और कूल माइंड होके रनिंग करनी है। ठीक है, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा, कोई मरोगे नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, भाई जोश के साथ जाओ, आपको पता है कि मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं रनिंग, और मेरे बस के अंदर है ये, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। इस तरह का मोटिवेशन लेके जाना है, इस तरह का एटीट्यूड लेके जाना है आपने, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर आप क्वालिफाई कर लोगे। अगर उन लोगों ने क्वालिफाई किया तो भाई आप भी करोगे यार। और उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने पिछले 1 साल से फिजिकल की लगातार तैयारी की है, वो पुशअप्स भी कर पा रहे हैं, वो ग्राउंड भी कर पा रहे हैं, तो जो इस चीज के साथ काफी लॉयल रहे हैं मेरे हिसाब से, दे आर ऑलरेडी इन। ठीक है, अब मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि भाई आप जो है वो जिन लोगों ने पिछले 1 महीने के बाद स्टार्ट किया वो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। जिनका लीन वेट है, जिनकी फिजिकल एफिशिएंसी काफी अच्छी है, जिनकी फिजिक थोड़ी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाइसेप्स होने ट्राइसेप होने जरूरी है, या उसकी चेस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट चेस्ट चाहे मेजरमेंट के लिए, आपकी जो स्टैंडर्ड है तो वो उसके लिए तो चाहे, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर होंगे तो तब आप जो है वो फिट होंगे रनिंग के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आप लीन हैं, आपका वेट ज्यादा नहीं है। अब कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई शायद वेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है, कुछ लोगों का वेट 10 किलो 15 किलो होगा। आज ही मेरे दोस्त से बात हो रही जिसका जम्मू में है, एंड ही टोल्ड मी देख कि वेट का कोई सीन तो नहीं है। तो फिर मैंने कंफर्म किया भाई वेट वहां पे वेट का कोई सीन नहीं है, वेट की वजह से आपको एलिमिनेट नहीं करेंगे, वेट की वजह से आप आउट नहीं होंगे, बाहर नहीं होंगे, तो वेट के बारे में आपको फिक्र नहीं करनी है। आपने अपने अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करना है, अपने माइंड को जो है वो पूरा प्रॉपर अलाइन करना है, और आपने अपने आज से ही अपने माइंड को प्रोग्राम करके रखना है कि भाई मेरा हो जाएगा और मैं सब इंस्पेक्टर बन चुका हूं। इस चीज का एटीट्यूड और इस चीज का जो मोटिवेशन है वो आप लेके जाएंगे तो आई एम श्योर आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें आज कश्मीर में हुई। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। भाई लड़के का कहना ये था कि भाई 800 के आसपास का आंकड़ा था जो बच्चे आज रिपोर्ट किए थे आज फिजिकल में, और 800 में उसका कहना ये था कि भाई अगर 50 बंदा है, 50 बंदों में से मान लो 20 बंदों ने जो है वो 20 बंदों ने जो है वो क्वालिफाई 60 लोगों में से 20 लोगों ने जो है वो क्या किया, फिजिकल मतलब रनिंग पास की। ठीक है, और उन 20 में से फाइनली फिर जिन लोगों का पुशअप्स भी रह गया, और फाइनली मतलब आप लेके चल सकते हो 7 से 8 लोगों का तो मतलब ओवरऑल ग्राउंड क्वालिफाई हो गया। ठीक है, 50 में से 8 आप खुद देख सकते हो इसका जो ये क्या कहते हैं इसकी जो परसेंटेज है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो 50 में से 8 है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे अप्रोक्सीमेटली ऐसा लग रहा है, अब एक्चुअल फिगर्स मेरे पास नहीं है, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, बट एज मतलब जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो आपका रेशो है, जो बच्चे आज क्वालिफाई कर चुके हैं, नंबर्स में मैं गेस कर रहा हूं, आई मे बी द रॉन्ग ऑल्सो, मतलब मैं 100% परफेक्ट नहीं हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 150 to 180 के आसपास बच्चे जो है वो आज क्वालिफाई कर चुके होंगे। 150 से लेकर 180 के बीच में आज 800 में से बच्चा क्वालिफाई कर चुका होगा। और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस और प्रिडिक्शंस थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस प्रिडिक्शन से जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे ऊपर क्वालिफाई कर रहे हैं, ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता चलना है, इससे आपने क्या सीखना है, सीख क्या करनी है आपने, कि पहली चीज आपको ये करना है कि आपने अपनी पुशअप्स को देखो, टाइमर लगा दो। मैं अपने दोस्त को भी बात की थी उससे, उसको भी मैंने समझाया था कि भाई ऐसा कर कि टाइमर लगा दो अपने, जब आप पुशअप करते हो, पुशअप करते वक्त आपने टाइमर लगाना है, और आपने ग्राउंड में बैठ के मतलब नीचे बैठ के जब आप पुशअप करोगे तो अपने फेस के नीचे आप मोबाइल लगा दो, टाइमर लगा दिया, और 1 मिनट तक आपने पॉज करना है, 1 मिनट के बाद आपने अप करना है, फिर 1 मिनट के बाद डाउन करना है, फिर 1 मिनट के बाद अप करना है,
अगर एक मिनट नहीं तो कम से कम 40 सेकंड तो करो यार, ये प्रैक्टिस करो आप और डेली करो आप। और लास्ट का जिस दिन मान लो फिजिकल है आपका, उसके उसके पहले दिन, उसके पहले दो दिन आप पूरा रेस्ट दो बॉडी को, पूरा फुल बॉडी रेस्ट, पूरा मतलब प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर डाइट खाओ तगड़ा, अच्छी तरह से कार्ब्स लो, ठीक है, कार्ब्स लो, प्रोटीन लो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कंज्यूम करो। लेकिन ग्राउंड जिस दिन आपका फिजिकल होना है उससे दो दिन पहले तक ही करो। आप ग्राउंड के पहले दिन तक करोगे यार तो बॉडी आपकी थकी होगी, हो सकता है आपको ग्राउंड के पहले दिन आपको कोई इंजरी आ जाए, कोई पैर में कोई मोच आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए प्रॉब्लम, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही कि भाई जितना हो गया है जाने दो, जो हो गया सो हो गया जाने दो, लेकिन अब ये चीज करनी है कि आपने फोकस इस चीज पे करना है कि आपने जिस दिन आपका फिजिकल है, आपके फिजिकल के दो दिन पहले आपने रेस्ट करना है, पूरा बॉडी को रेस्ट देना है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि पुशअप्स पे भी काफी ज्यादा ध्यान देना है। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों कि आपने अब जो है वो अपने टाइमिंग चेक नहीं करनी है, जो आपकी 7 मिनट निकल रही है, 7:30 निकल रही है, भाई बंदे वहां पे 7:30 मिनट में जो पहले कर पा रहे थे क्वालिफाई, 7:15, 7:15 मिनट में वो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन आज वो क्वालिफाई कर गए, मतलब 7:30 मिनट उनकी टाइमिंग आ रही थी और बंदे भाई उन लोगों ने आज क्वालिफाई कर लिया। तो ये वहां पे, क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है, मोटिवेशन होती है, दूसरे लड़कों को आप देखते हो यार कहीं ना कहीं नर्वसनेस तो जेन्युइन है भाई आपके, अगर आप नर्वस हो दैट इज जेन्युइन, बट वहां पे जब आप देखोगे कि बंदे क्वालिफाई कर रहे हैं और आपको अंदर से मोटिवेशन, यार इसने तो क्वालिफाई कर लिया, ये दैट मीन्स ये सब इंस्पेक्टर बन गया, तो भाई व्हाई नॉट आई एम, मेरा क्यों नहीं होगा, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज वहां पे मोटिवेट करती है और उस चीज से आप जो है वो डबल अपनी बॉडी को पुश करते हो, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि भाई ये आपकी जिंदगी का एक इम्तिहान है और ये आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी आई है, इस मौके का फायदा आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरी उम्र भर आपको पछताना पड़ेगा और आप उम्र भर इस चीज को लेके रहोगे अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, ठीक है। तो उस तरह से जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने।